हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूँ जनवरी मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके पार्ट टू को लेकर। इससे पहले मैंने दिसंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है यहाँ से भी आप वीडियोज के लिंक पर डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस के जो सीरीज चल रहे हैं ना, उसका वहाँ पे ऑलरेडी जनवरी मंथ तक कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पे अभी फरवरी मंथ चल रही है। तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहाँ से आप वीडियोज के लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम या ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोज के लिंक और पीडीएफ दोनों एक साथ एक ही जगह आपको मिल जाया करेंगे। तो इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चाहे तो वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में जो आपको क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे स्पेशली सीएससी और ईपीएफएम को ध्यान में रख के यहाँ पे सारा चीज डिस्कस किया जा रहा है जो करंट अफेयर से रिलेटेड हम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स जो सीएससी और ईपीएफएम का प्रिपेरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90 से 95% तक का सिलेबस मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। जितना हो सके आप अपना खुद से जो भी स्टैटिक पार्ट अभी तक पढ़े हुए हैं उसमें आप फोकस करें, और जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ दोनों सेशन में मॉर्निंग और इवनिंग में, ऑनेस्टली बस ये करते रहें, ये आपके लिए मोर देन एनफ होगा। जो भी हमारे फ्रेंड्स पिछले एक साल में न्यूज़पेपर ठीक से नहीं किए हैं, जो ऑलरेडी एक साल अच्छे से अपना न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह फॉलो किए हैं, उनके लिए तो ये रामबाण होगा कि जैसे जितना ज्यादा वो मतलब कुछ कुछ ऐसा जगह में मिलेगा उनको कि उन्होंने वो सब टॉपिक स्किप कर दिया था या ठीक से नहीं देखा था, तो उनको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से आपको कुछ पिनाका मिसाइल जो है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ये जो बंगाल टाइगर है इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं। प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखें और जितना हो सके क्वेश्चन का जो आंसर्स है ना वो देने में पार्टिसिपेट करें कमेंट कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जिससे कि और मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूँ आपके पार्टिसिपेशन को देखकर। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे साथ ये कुछ मेरे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है इसके ये आईडी के बदौलत भी आप मेरे साथ पर्सनली अटैच हो सकते हैं, जहाँ पे मेरे लेक्चर्स के वीडियोस के जो जो भी अपडेट्स आते हैं ना वो आपको यहाँ पे से आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये टेलीग्राम का लिंक है जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे ही जैसे चैनल का जो टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखिए आप एक हैं, उसके अलावा आपको मेरा काम है कि मैं आपको चारों तरफ से एक बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जहां से आपको जो ऑप्शंस आपको लेने का मन हो आप वो सारे ले सकते हैं, सब कुछ आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। बस अपना कॉपरेशन इसी तरह से दिखाते रहे कि जितना ज्यादा हो सके जो मल्टीपल और भी बहुत कुछ हम लोग लाने वाले हैं आगे के क्लासेस में, वो खुशी खुशी हम भी ला सके और आप भी खुशी खुशी यहाँ पे अटेंड कर सके। इसके अलावा बहुत सारे ये मेरे यूपीएससी सीएससी ईपीएफओ के जगह में और भी इनोवेटिव क्लासेस चल रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी एसएससी सीजीएल और रेलवे जो एनटीपीसी है ना इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस चल रही है, जो कि बहुत ज्यादा वहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पार्टिसिपेशन भी अपना दिखा रहे हैं। तो प्लीज अगर आप लोग एसएससी या रेलवे का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपकी किसी फ्रेंड्स या भाई या कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज एटलीस्ट उनको एक बार जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आप उनके जो प्रिपरेशन में एटलीस्ट 1% का भी अगर यदि योगदान दे सकते हैं, तो प्लीज अपना पैर कभी पीछे मत करिएगा। ठीक है, हाल ही में अभी बहुत जल्द स्टेट पीसीएस का, जैसे कि बीपीएससी और डब्ल्यूबीपीसीएस का, इसका पूरा एक साल का कोर्स आपको यहाँ पर कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जाएगा, जो कि आपको दूसरे जगह में आपको एज अ पेन ड्राइव कोर्सेज का चार्ज लिया जाता है या पीडीएफ का चार्ज लिया जाता है, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं होगा, 0 रुपीज़। ठीक है, 0 रुपीज़ यहाँ पे लिया जाएगा, कुछ नहीं है, बस आप लोग अपना कोऑपरेशन कर हमारे साथ बनाए रहें और जितना हो सके कमेंट बॉक्स में के माध्यम से पार्टिसिपेट करते रहें, और कुछ आपसे हमने नहीं मांगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है आपको एक प्लेस के बारे में बोला जा रहा है कि आप बताइए जहां पे अभी हाल ही में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइल्डहुड निमोनिया जो कि हाल ही में हुआ था। ठीक है, चाइल्डहुड निमोनिया बहुत ही वाइटल डिजीज है आपको चाइल्डहुड में ये निमोनिया का, तो इससे रिलेटेड बोला जा रहा है कि पहला कहाँ पे अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो पहला हुआ है आपको ये आपको बार्सिलोना स्पेन, जो भी हमारे फ्रेंड्स फुटबॉल में प्रेमी हैं उनको अच्छे से पता होगा कि बार्सिलोना में कौन है, कौन से प्लेयर है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इतने सारे अवार्ड्स ले चुके हैं, तो बार्सिलोना से वो बहुत ज्यादा लगाव होगा बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का। तो ये बार्सिलोना में हुआ है ये चाइल्डहुड निमोनिया, ध्यान दीजिएगा चाइल्डहुड, आप बचपन से फुटबॉल खेल रहे हैं तो उससे कुछ
रिलेट करके आप ध्यान लगा जाएगा, इंटर रिलेट कर लीजिएगा कि बार्सिलोना और चाइल्डहुड ये कुछ मिलते जुलते हैं, ठीक है। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है नौ लीडिंग हेल्थ एंड चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया, ठीक है। टोटल नौ है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो नौ लीडिंग कौन कौन हो गया आपको, यूनिसेफ है जो कि यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, बिल एंड मिलिंदा गेट्स है, बहुत सारे ये फिलैंथ्रोपिक वर्क भी करते रहते हैं, ठीक है, इनका फाउंडेशन। उसके अलावा गवी एमोंग जो भी है ये भी है उनके में मिले हुए, ठीक है। टोटल नौ लीडिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको ये देख पा रहे होंगे, ये हो गया बार्सिलोना, ठीक है, और ये कैटलोनिया स्टेट है, जैसे हमारा स्टेट होता है ना वैसे ही यहाँ का स्टेट है। जिस तरह हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स है, वैसे स्पेन का एक स्टेट है कैटालोनिया, जिसका आपको कैपिटल बार्सिलोना मिल जाएगा। वहीं पर आप देख पा रहे हैं, वहीं पर पहला ये चाइल्डहुड मतलब निमोनिया कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है। तो बहुत पहला है, इसे ध्यान दीजिएगा, ऊपर से चाइल्डहुड है। तो आप चाइल्डहुड से रिलेटेड अपने ऐसे राइटिंग, मेन्स राइटिंग, कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जो भी आपको ये सब चीज पता है ना, अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ भी लिख देते हैं ना, तो आपको प्लस टू आप उसी जगह दे दिए अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो ये सब चीज को आप एक जगह नोट बना के रखिए। मैं तो आपको ऑलरेडी जैसा आपको बोला हूँ, एग्जाम से पहले आपको सारा पीडीएफ एक जगह आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के सिलसिले को शुरू करने के तौर पर। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो है आपको, अच्छा ठीक है, एक बार और आपको बता दूं कि जैसे ही क्वेश्चन अभी आया है, मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि आप लोग को एक बार और याद दिला दूं कि प्लीज क्वेश्चन अभी आया है, वीडियो को पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो भी आ रहा है, या तो एक पेन पेपर अपना ले लें, वहाँ पे एक एक करके सारा मार्क्स लिख लें, और या नहीं तो अपने सेलफोन में ही आप नीचे नोट या कहीं पर मैसेज बॉक्स में जाके अपना सारा लिखें, और उसके बाद वो नंबर वन डालें। जैसे आप वन नंबर डाल गए, उसके बाद यहाँ पे आंसर दिए, नंबर टू डाले उसके बाद आंसर दिए, जो स्किप करना है वहाँ पे एक डैश देके छोड़ दीजिए। ऐसे करके टोटल लास्ट में जो ना आपको बताना है कि टोटल आपने कितना अटेम्प्ट किया। आउट अगर 20 क्वेश्चन आते हैं या 25 क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों का ही मैं रखता हूँ हमेशा, तो आउट ऑफ 20 या 25 कितना आ रहा है आपको जज करना है। क्योंकि अगर आप 75 से 80% से अगर ऊपर लेके आ रहे हैं तो आप सेफ साइड है, बट उससे अगर यदि कम है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग प्लीज़ रिविजन ज़्यादा करिए, कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना ये क्वेश्चन। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या है यार, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है ओपीओ से रिलेटेड, ओएमओ से रिलेटेड, ठीक है। हमने आप अगर इकोनॉमिक्स वाले अपने क्लासेस में किए होंगे तो ये ओएमओ जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में हमेशा बना रहता है आपको। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स का जो रमेश सिंह हो या कोई और संजीव वर्मा हो, वहां पर भी आपने शायद ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि जो ओएमओ है ना, ये कंडक्ट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ऐसे हम बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कंडक्ट आरबीआई के द्वारा किया जाता है, चलिए देख लेते हैं क्या सही बात है क्या गलत है, ठीक है। उसके अलावा ये बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे विथ एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशंस इन द मार्केट ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस, ठीक है। तो ये क्या आरबीआई के द्वारा है कि नहीं, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और बात, एक सेकंड थोड़ा मैं मोटा कर लेता हूँ इसको। तो इसके अलावा एक और बात यहाँ बोल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट में कि ये जो ऑपरेशंस है ये कंडक्ट किया जाता है ओनली ओनली ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस में क्या किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि आरबीआई कैरीज आउट द ओपन मार्केट ऑपरेशंस थ्रू कमर्शियल बैंक। तो क्या ये कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करते हैं या कोई और बैंक के थ्रू करते हैं? और बोला जा रहा है कि डज नॉट डायरेक्टली डील विद पब्लिक। तो ये डज नॉट डायरेक्टली यहाँ का आपको कीवर्ड होगा, आपको पता होगा तो इजीली आप 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट जो आपको टू है वो आपको गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो ऑपरेशन यहाँ बोला गया है ना कि ये जो किया जाता है ये डे टू डे बेसिस में किया जाता है, ना कि ये क्वार्टरली बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपको ये स्टेटमेंट टू गलत है, बाकी स्टेटमेंट वन और थ्री आपको सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा आपको एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है, ASESG से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट ही। पहला बोल रहा है कि जो ASESG है ना, ये एक बोला जा रहा है इंटीग्रल पार्ट है आपको स्पेसिस सर्वाइवल कमीशन का, जो कि IUCN के अंदर आता है, ठीक है। IUCN से रिलेटेड काफी बार डिस्कस कर लिए हैं। तो बोला जा रहा है कि IUCN के अंदर जो RSSC है ना, इसके अंदर ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ये ASESG। तो क्या सही बात है, चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि ASESG है जो कि प्रोवाइड करेगा साइंटिफिकली ग्राउंडेड एविडेंस ऑफ द एबुंडेंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन,
ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है आपको एशियन एलिफेंट से रिलेटेड क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इससे रिलेटेड ये क्या इसमें बात होगा। तो देखिए ऐसे स्टेटमेंट जो भी है ये क्या कर रहे हैं, ESG है ना, इसको पूरा तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर सही ही होते हैं, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि गाजा इज अ जर्नल ऑफ द IUCN। तो गाजा एक आपको जर्नल है, ये पहली बात, आपको ये जर्नल है कि नहीं ये आपको एक हो गया कीवर्ड। दूसरा ये क्या IUCN के द्वारा होता है, तो ये हो गया आपको एक कीवर्ड। तो आपने, हमने स्टेटमेंट देख लिया, हमने कीवर्ड्स भी देख लिया, चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है, बाकी मतलब तीनों के तीनों ही जो है वो सही है, ठीक है। ये जो बात बोला ना गाजा एक जर्नल है, ध्यान दीजिएगा हमने ऑलरेडी एनालिसिस वाले सीरीज में ये डिस्कस किया ही था, ठीक है। तो गाजा एक जर्नल है जो कि IUCN के द्वारा ही लाया जाता है। यहाँ पर भी IUCN के ही अंदर में एक SSC एक बोल के इंटीग्रल इनका पार्ट है, जो कि ASESG का जो एक ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर ही ये ASESG ग्रुप आते हैं। और ये गाजा है ना, ये बाय एनुअल जर्नल है, बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार आता है ये जर्नल, एक साल में आपको 2 बार ये जर्नल मिल जाएगा देखने के लिए। आपको गाजा बोल के, गाजा मतलब क्या हो गया, आपको गजापति भी बोलते हैं ना एलिफेंट को, तो उसी तरह से आप याद रखिए कि गाजा बोल के जो है ये आपको एक जर्नल है जो कि IUCN के द्वारा ही लाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको पिनाका मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ये डायग्राम दिखा के, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट ही, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये पिनाका जो MK2 है ना, ये MK2 जो है ये रॉकेट इज मॉडिफाइड एज अ मिसाइल बाय इंटीग्रेटिंग द नेविगेशन कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम टू इम्प्रूव द एंड एक्यूरेसी। तो ये जो MK2 रॉकेट है ना, ये मॉडिफाई किया गया है मिसाइल को, कि जिससे किया नेविगेशन कंट्रोल और सिग्नी गाइडेंस, ये चीज इसमें डाला गया है। तो क्या सही बात है या इसमें नहीं है, ये MK3 में आया है या MK1 से ही चल रहा है ये चीज, और यहाँ पे कुछ ये जो है गलत है, चलिए देख लेते हैं सही है गलत है। दूसरा बोल रहा है कि द मिसाइल सिस्टम इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग इन टू एनिमी टेरिटरी अप टू अ रेंज ऑफ 75 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या विथ हाई प्रिसीजन, तो ये क्या 75 किलोमीटर सही बात है, चलिए देख लेते हैं। तीसरा है आपको, इट इज डेवलप्ड बाय DRDO विथ असिस्टेंस फ्रॉम रशिया। तो ये क्या रशिया के असिस्ट से बनाया गया है। देखिए मैं DRDO को कीवर्ड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस तरह का जो भी मिसाइल सिस्टम है ना वो DRDO के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। शायद ही आपको मिलेगा कोई प्राइवेट बॉडी करते हैं, और इसरो तो इसका है ही नहीं जो मिसाइल से डिफेंस से रिलेटेड कुछ करते हो, बट हाँ ये रशिया से है सजेस्ट मतलब असिस्ट लेके है किया है, या आपको इसराइल से है या यूनाइटेड स्टेट से है। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं सही आंसर इसका है क्या, ठीक है। तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 3 सिर्फ गलत है, बाकी 1 और 2 दोनों ही सही है। 75 किलोमीटर जो बात है ये सही है, और ये जो तो आपको एक्सप्लेनेटरी है, ऐसा स्टेटमेंट ज्यादातर सही होते हैं। 3 गलत है क्योंकि रशिया है ही नहीं, ये DRDO के द्वारा ये इंडिजिनियसली बनाया गया है, ठीक है, ये पिनाका मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये इंडिजिनसली है ना कि ये रशिया के मदद से है, ठीक है। और 75 किलोमीटर का इसका रेंज है जैसे हमने बता ही दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको PM आशा से रिलेटेड कुछ कुछ यहाँ पे है, चलिए देखते हैं। 3 स्टेटमेंट फिर से यहाँ दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ये करेक्ट इनकरेक्ट बार बार ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहले जैसे यहाँ स्टेटमेंट से बारे में पढ़ेंगे उसके बाद सबसे पहले करेक्ट इनकरेक्ट ही देखेंगे, उसके बाद उसको दिमाग में रखते हुए आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे, कि जब भी स्टेटमेंट रीड करेंगे दिमाग में चलते रहना चाहिए हाँ करेक्ट हमें खोजना है, करेक्ट खोजना है, करेक्ट खोजना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स आर सपोज टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। स्टेट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि स्टेट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एड्रेस करेंगे सारे इश्यूज का एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर क्या आपको सबसे पहले ये सोचिए, ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है कि यूनियन सब्जेक्ट लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है, तब उसी के हिसाब से अगर आपको ये पता है तो ये स्टेटमेंट का आंसर आप सही से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया यहाँ का आपको कीवर्ड ये एग्रीकल्चर वाला बात जो बोल रहा है, ठीक है। दूसरा है कि PM प्रधानमंत्री जो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है ना PM आशा, तो इनसे रिलेटेड बोल रहा है, ये लाया गया ये PM आशा, जिससे एम किया जा सके कि कैसे करके इंश्योर करेंगे रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, ठीक है। कैसे करके हम एक रिम्यूनरेटिव प्राइसेस दे सकते हैं फार्मर्स को उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या सही बात है, ये एम इसको करता है या PM आशा किसी और चीज से रिलेटेड है। तीसरा है कि महाराष्ट्र है जो कि सबसे अभी अपने स्टेट में जल युक्त शिवर मिशन हमने हाल ही में अभी डिस्कस किया है, तो बोला कि ये महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा लाया गया है जिससे कि वो ड्रॉट फ्री स्टेट अपने स्टेट को बना सके।
देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, महाराष्ट्र है या कोई और भी है ना। तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों सही है, महाराष्ट्र ही। हमने पढ़ा था कि उन्होंने जलयुक्त शिवार मिशन लेके आए थे वो, ठीक है। उसके अलावा पीएम आशा जो है ना, ये इनका ये काम होता है कि फार्मर्स के प्रोड्यूस को कैसे करके एक नॉर्मल मतलब रीजनेबल अमाउंट उनको मिल जाया करे, ठीक है। तो उसके अलावा ये पहला तो है ही, स्टेट के अंदर में ही ये एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ बेसिक बात हो गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो गुजरात वाज आल्सो अ होम टू द इनिशियल माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स इन अर्ली 2000, ठीक है। 2000 के लगभग गुजरात भी ये इस तरह का माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स लेके आया करते थे, पर ये जलयुक्त शिवर है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको रिगार्डिंग ई वीजा। तो ई वीजा से रिलेटेड यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक दो तीन स्टेटमेंट दे दिया और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि ई वीजा इज एडमिसिबल ओनली अंडर ई टूरिस्ट वीजा, ई बिजनेस वीजा, ई कॉन्फ्रेंस वीजा, ई मेडिकल वीजा एंड ई। देखिए ये ओनली दे दिया है ना, तो यानी आपको अब थोड़ा सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ओनली दिया हुआ है तो ओनली मतलब ये पांचों ही होना चाहिए, पांच से ज्यादा अगर किसी और चीज में भी दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि ई वीजा कैन बी प्रोसेस्ड एट एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स। तो ये क्या कैन भी बोला जा रहा है, क्या एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स दोनों में ही हो सकते हैं या सिर्फ एयरपोर्ट्स में हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैविंग पाकिस्तानी पासपोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवलर जो भी पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं ई वीजा को, क्या ये सही बात है? चलिए देख लेते सही आंसर है क्या, ठीक है। तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी थर्ड स्टेटमेंट है जो गलत है, वो पाकिस्तानी जिनके पास पासपोर्ट है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते ई वीजा का, ठीक है। वो ई वीजा का अप्लाई नहीं कर सकते, वो अप्लाई कर सकते हैं आपको इंडियन मिशन से रिलेटेड, इंडिया मिशन के तहत जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, ना कि ई वीजा में जाके वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो है पांचों, ये सारे पांचों के पांचों ही सही है, क्योंकि ओनली यही पांचों जगह में ई वीजा आपको मिल सकता है, ठीक है। टूरिस्ट पर्पस में, बिजनेस पर्पस में, कॉन्फ्रेंस पर्पस में, मेडिकल पर्पस में और मेडिकल अटेंडेंट के पर्पस में भी आपको ई वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन से रिलेटेड, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको फिर से एक दो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और ध्यान दीजिएगा ये करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपको है इट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज कंसिडर टू बी ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। तो देखिए ये क्या एम करता है कि आइडेंटिफाई किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके वर्ल्ड के नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज जो भी कंसिडर किया जा रहा है यूनिवर्सल वैल्यू का, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल का अगर किसी चीज़ को वैल्यू मिला है, तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है ना इसके तहत हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट किया जाएगा वर्ल्ड के जितने भी नेचुरल या कल्चरल हेरिटेज है। तो देखिए ऐसा स्टेटमेंट तो आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर क्या होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है बाय साइनिंग द कन्वेंशन ईच कंट्री pledges to conserve not only the world heritage site situated in on its territory but also protect its national heritage। अगर इस जो भी इस कन्वेंशन को साइन करते हैं वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर हो उनको तो उनको कंजर्व करना ही है, जो उनका अपना नेशनल हेरिटेज है ना जिसको वर्ल्ड हेरिटेज अभी तक नहीं मिला उनको भी कंजर्व करना पड़ेगा। तो क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या। तो आपको ऑप्शन डी यानी दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी इनकरेक्ट यहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे बोला है ना कि साइन करने के बाद हर कंट्री का अपना ये हो जाता है कि वो कंजर्व अपना मतलब अपना तो करे, मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में है ना जो भी आपको WH के लिस्ट में है ना उसको तो कंजर्व करना ही है, जो NH है ना नेशनल हेरिटेज जो भी उनका जो लिस्ट में ना अपना पर्सनल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है उनको भी अगर वो कन्वेंशन साइन किए हैं तो उनको भी वो कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको यदा यदा वायरस से रिलेटेड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अपने करंट अफेयर एनालिसिस वाले सेशन में, तो उससे रिलेटेड फिर से यहाँ तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज अ न्यू वायरस डिटेक्टेड इन मॉस्किटोस। तो ये क्या वायरस आपको मॉस्किटोस में है, ठीक है। यहाँ वायरस ऑलरेडी बोल दिया इसलिए मैं बैक्टीरिया का तो यहाँ पे बेकार का कीवर्ड लिख के तो फायदा नहीं है, मैंने बोला है कि डिटेक्ट किया मॉस्किटोज में किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकेंड से ज्यादा का टाइम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यदा यदा से रिलेटेड दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है आपको रिसेंटली यदा यदा वायरस आउटब्रेक वाज रिपोर्टेड इन चाइना। तो क्या ये रिसेंटली चाइना में आपको ये वायरस पाया गया है यदा यदा वायरस,
चाइना से तो ऐसा डेंजर वायरस आया है, आप लोग उम्मीद कर ही सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी, वर्ल्ड का हालत क्या हो चुका है। तो ये अब क्या ज्यादा ज्यादा वायरस भी चाइना से ही आया है? चलिए देख लेते हैं कीवर्ड इशू हो गया इस सेकंड स्टेटमेंट का। तीसरा बोल रहा है कि ज्यादा ज्यादा वायरस डज नॉट पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स। ज्यादा ज्यादा वायरस बोल रहा है कि ये ह्यूमन बींग्स को कोई थ्रेट नहीं है, ये डज नॉट जो है ना, ये आपको कीवर्ड हो गया। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, चलिए देखते सही आंसर है क्या। तो आपको ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट वन और थ्री सही है, स्टेटमेंट टू आपको गलत है। चाइना नहीं है वो, चाइना नहीं है वो, है आपको ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, वो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का मॉस्किटोज में देखा गया है। बाकी वन और जो थ्री है ये आपको सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हो गया आपका पंच मिशन से रिलेटेड। पंच मिशन क्या है और तो उससे रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, उनका ये पंच मिशन है जो कि इमेज रीजन्स बियॉन्ड द सन का जो आउटर कोरोना है ना, आप जानते ही होंगे सन, सन से रिलेटेड कितने सारे कोरोना जो है ना इस शेप में ऐसे 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 करके रहते हैं, बम्प्स बने हुए हैं। ठीक है, बम्प्स टाइप का आपको आते हैं, और ये जो कोरोनल बम्प्स है ना, इसी के नाम से कोरोना वायरस को नाम दिया गया है कोरोना, क्योंकि ये उन जो वायरस है ना उनके ऊपर भी इस तरह के बम्प्स बने हुए हैं। ठीक है, अब जो अगर दीदी आप तो बहुत सारे इमेजेस देख ही लिए होंगे कोरोना का, तो उनके ऊपर भी इस तरह का इमेज है, तो इसलिए उनको कोरोना नाम दिया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये जो ईएसए है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उनके द्वारा ये पंच मिशन लॉन्च किया गया। तो ये हो गया आपको यहाँ का कीवर्ड। ठीक है, दूसरा आपको ये मिशन है ना वो ट्रैक करेगा सोलर विंड जो भी आ रहा है ना, कोरोनल मास इजेक्शन, विच आर ह्यूज मासेस ऑफ प्लाज्मा दैट गेट थ्रोन आउट द सन्स एटमोस्फेयर। तो ये जो पंच मिशन है, बोला जा रहा है कि सन से जो भी आपको ये सोलर विंड्स आ रहे हैं ना, इसको ये आपको ट्रैक करेगा, ये आपको पंच मिशन में जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया है। तो क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं सही है गलत है। तीसरा बोला जा रहा है कि इंडिया जो प्लांट किया ना आदित्य एलवन, वो आपको इसी तरह का सन का जो कोरोना है ना, ये जो सन का कोरोना है जो आपको बम्प्स दिख रहे हैं, इसको ये रेड करने का काम करेगा, इसके ही ऊपर ही स्टडी करने के लिए आदित्य एलवन भेजा जाएगा। तो क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आदित्य एलवन को कौन से ईयर में भेजने का बात चल रहा है? ठीक है, आदित्य एलवन और गगनयान दोनों। ठीक है, जो आदित्य एलवन और गगनयान दोनों के बारे में आप बताइए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट टू थ्री सही है, वन गलत है, क्योंकि ई एस ए जो है ना, ये ई से इसका पार्ट नहीं है, नासा का ये पंच मिशन है जो कि वो भेजे हैं कहाँ पे, आपको सन के, सन से रिलेटेड स्टडी करने को लेके। ठीक है, तो ये नासा का पार्ट है, इसीलिए आपको पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। आदित्य एलवन मिशन हम लोग ही अपने मतलब सन का कोरोना का रीड करने के लिए भेज रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपको एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन, हमने अच्छे से डिस्कस किया था इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड भी आपको ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, तो ये आपको इन चारों में से क्या है ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन? ठीक है, तो आपको ये क्या है, तो आपको ये हो गया एबिलिटी टू सी विदाउट आईज, हमने देखा ही था ये स्टार फिश टाइप का कुछ कुछ जो वाटर बॉडीज है ना उनके अंदर एक बिना आंख के भी वो देख सकते हैं, ऐसा उनका एबिलिटी है, तो उसी को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन, मन की आत्मा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट आईज देखने को ही कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन। इसके अलावा ये जो लाइट सेंसिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर में, जो कि ब्रिटल स्टार विजुअल स्टिमुली के होते हैं, स्टिमुलस होते हैं ना, लज एक आप प्लांट सुने होंगे लजवंती प्लांट, टच मी नॉट जो बोलते हैं जिसको, वो भी उनके वो अंदर भी स्टिमुलस होता है, टच का उनका रहता है, तो ये लाइट का सेंसिटिविटी रहता है इनके अंदर ये जो भी है। उसके अलावा वो अलाउ करते हैं कि कैसे करके रिकॉग्नाइज करेंगे कोर स्ट्रक्चर्स को, जिस तरह जिधर से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हों उसके हिसाब से वो जज करते हैं, और फिर आगे वो बिना आँख के ही चलते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपको ये तानाजी मालुसरे से रिलेटेड। ठीक है, तानाजी मालुसरे जो है ना, आपने ऑलरेडी शायद उम्मीद कर सकता हूँ ज्यादातर हमारे फ्रेंड्स तानाजी मूवी देखी होंगी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आंसर के बाद आपको मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। पहला बोला जा रहा है कि तानाजी मालुसरे है ना, वो इज नोन एज फॉर हिज रोल इन द बैटल ऑफ सिंगत। तो ये बैटल ऑफ सिंगत में इनका रोल था, और जो कि फॉट किए थे किसके साथ, मराठा फ्लैग अगेंस्ट मुगल्स। तो ये क्या मुगल्स के साथ फाइट किए थे, और वो मराठा के ऑन बिहाफ में वो मुगल्स के साथ फाइट कर रहे थे बैटल ऑफ सिंगत में। चलिए देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो कि साइन किया गया था राजपूत रूलर जयसिंह वन और छत्रपति शिवाजी के अंदर, तो ये क्या, ये जयसिंह और शिवाजी के बीच में क्या ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ था? तो ये हो गया आपको कीवर्ड। ठीक है, तीसरा है कि अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी हैड टू हैंड ओवर इम्पोर्टेंट फोर्ट्स इंक्लूडिंग पुरंदर एंड सिंघा टू द मुगल्स।
तो इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत शिवाजी को क्या अपना पुरंदर और सिंघात का जो फोर्ट है वो क्या मुगल्स को देना पड़ेगा? तो ये सब चीज यहाँ पे बात था। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी यानी तीनों के तीनों सही है। पुरंदर ट्रीटी साइन ही हुआ था मुगल्स के साथ ताकि वो फोर्ट जो भी है ना पुरंदर और सिंघात का ये आप कर पाएंगे। ये आपने अगर मूवी देखा है तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि अगर इस तरह के जो मूवीज होते हैं ना प्लीज देखा करिए। होता है कभी कभी कि आप एग्जाम में कभी उससे रिलेटेड कुछ आ जाए और मूवीज देखा हुआ चीज ना आप कभी भूलोगे नहीं, तो इससे क्या होगा रिलेट करके भी एटलीस्ट आप आंसर निकाल दोगे। सैफ अली खान से रिलेटेड है वहाँ पे स्टोरी, अजय देवगन और काजोल। ये जनवरी 10 को रिलीज किया गया था ये मूवी, ठीक है। नाम था आपको तानाजी द अनसंग वॉरियर, ठीक है, अनसंग वॉरियर। तो ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये जो साइन किया गया था ना बैटल ऑफ सिंघम, ये आपको 1670 के लगभग हुआ था, जो कि मराठा फ्लाग के ऑन बिहाफ में जो तानाजी है ना वो फाइट किए थे मुगल्स के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये 2015-20 का जो है ये एम किस चीज को लेकर ध्यान के किया जाता है, ये यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें सही कोड बताना है। पहला बोल रहा है कि ये स्टेबलाइज करेगा इंडिया एज अ वर्ल्ड क्लास बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। तो क्या इस तरह का बात है, चलिए देख लेते हैं। ये एनकरेज करेगा यूज इंस्पायर्ड डिस्कवरी रिसर्च, तो यूज इंस्पायर्ड डिस्कवरी रिसर्च का लिए ये एनकरेज करेगा, चलिए देख लेते हैं। तीसरा है रिवाइटलाइजिंग द नॉलेज एनवायरमेंट एट पार विद द ग्रोइंग बायो इकोनॉमी, तो रिवाइटलाइजिंग भी नॉलेज एनवायरमेंट का यहाँ करने का बात बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तीन स्टेटमेंट पढ़ लिए, करेक्ट कोड हमें बताना है। तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों ही सही है, ठीक है। ये तीनों के स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये एक तरह से डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी लिया जाता है वो तीनों ही तीनों एक तरह से सही है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हो गया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड, ठीक है, SEZ से रिलेटेड। तो यहाँ पे अभी आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट ही बताना है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि SEZ जो है ना आर जियोग्राफिकली डिलिमिटेड एनक्लेव्स इन विच रेगुलेशंस एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू बिजनेस एंड ट्रेड डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो बोला जा रहा है कि SEZ वो जोन है ना जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे वो एरिया है जहाँ पे जो रेगुलेशंस होगा ना बिजनेस से रिलेटेड या ट्रेड से रिलेटेड वो बाकियों के कंपेयर में डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये बाकियों के कंपेयर में डिफरेंट होंगे कि नहीं, तो ये डिफर फ्रॉम हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा है कि SEZ एक्ट 2005 वो क्या करते हैं कि बताते हैं कि कैसे करके स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड उनका पार्टिसिपेशन किया जाएगा, क्या रोल है उनका। तो ये बात यहाँ पे SEZ 2005 में क्या स्टेट गवर्नमेंट का रोल दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं सही बात है कि नहीं। तीसरा है आपको प्रायर टू द इंट्रोडक्शन इंडिया रिलाइड ऑन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ, ठीक है, विच फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये क्या फेल्ड हो गया है या पास हो गया है, तो ये हो गया आपको यहाँ के कीवर्ड्स। चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों ही फेल्ड हो चुके हैं। ये जो इंडिया जो रिलाई किया ना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में वो उस वक्त फेल हो गए थे, तो अभी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उम्मीद किया जा रहा है कि इस तरह का चीज जो अभी लिया गया है ना वो ज्यादा बूस्ट अप करेगा, ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा इकोनॉमिक को कि कैसे करके जितने भी इन्वेस्टर्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा आ सके, ठीक है। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट था वो दोनों के दोनों ही सही है। और तीसरा जो है ये तो फेल्ड का कहानी बात है, अगर ये पास रहता तो ये स्टेटमेंट भी गलत था, बट ये जो आपको EPZ था ना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ये यहाँ पे सही से काम नहीं किया था, ठीक है। ये जो SEZ है ना ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपको 2000 में, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली SEZ मॉडल ना आपको चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया था एक टाइम में जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, तो इसलिए उसी को ही कॉपी एक तरह से कह सकते हैं जो कि इंडिया में भी किया जा रहा है। तो उम्मीद किया जाता है इंडिया में भी बहुत अच्छे से ये फेज में काम करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन फिर से, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड फिर से आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ SEZ यूनिट्स। तो ये क्या ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट वगैरह यहाँ पे जो है ये सही बात है, चलिए देख लेते क्या है। तीसरा है आपको एग्जेम्पशन फ्रॉम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट, मैट से बोल रहा है एग्जेम्पशन भी होगा, ठीक है। मैं आपको अभी ये सबसे रिलेटेड अगर आपका कंफ्यूजन है या जो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किए हैं मैं उनको बेसिक हल्का फुल्का बताऊंगा, डिटेल पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में अगर कुछ जानना है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड अच्छा से अच्छा या तो अगले वीडियो में ही कुछ 2-3 मिनट का ऐड कर दूंगा अगर यदि छोटे में बनाया जा सकता है, अगर 5-7 मिनट से ज्यादा है तो मैं इससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा,
ठीक है, बट आप लोग अपने डाउट्स को रखें ना मन में, जितना हो सके तुरंत क्लियर करें, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा सेंट्रल और स्टेट लेवल अप्रूवल्स का। तो सिंगल विंडो मतलब एक ही आप अगर पोर्टल खोल रहे हैं, यहाँ पर ही आपको सेंट्रल का क्लियरेंस स्टेट का क्लियरेंस दोनों मिलेगा और आप आगे जाके प्रोसीड कर सकते हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो आपको ऑप्शन सी हो गया सही, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ये जो एक्सेम्पशन मिला हुआ है ना, ये यहाँ पे गलत है एक्चुअली। ये आपको एक्सेम्पशन मिला हुआ है, ये आपको होगा आपको ऑप्शन 1 2 3 तीनों ही, ठीक है। यहाँ शायद गलती हो गया थोड़ा मेरे से, ये ऑप्शन डी होगा, ये 1 2 और 3 तीनों ही यहाँ पे सही है, क्योंकि एग्जेम्पशन दिया गया है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से रिलेटेड भी यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने जान ही लिया पहले क्या था। तो इसमें बोल रहा है कि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट होगा, 100% के लेवल में इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होगा अगर किसी तरह का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये पहले 5 साल के लिए होगा, फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 100% होगा कोई भी कंपनी का अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो ये अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। फिर उसके बाद का 50% मिला जाएगा इम्पोर्ट आपको इनकम टैक्स में माफ, उसके अलावा 50% मिला जाएगा आपको प्लग्ड बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा अगले 5 साल में। तो ये सब करके आपको छूट मिला जा रहा है, ठीक है। और मैट के लिए ना मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में ये आपको पूरा तरह से एग्जम्पशन फ्रॉम मैट भी दिया जाएगा, ठीक है। मैट एक्चुअली क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आपको, जैसे आप बेसिकली क्या होता है कि आप अगर जी आपका कंपनी का प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 100 रुपये, तो आप दिखाते क्या है कि हमको बहुत सारा और भी एक्सपेंसर, ये जो 100 रुपये मिला है ना, तो ये कोई कोई कंपनी है क्या दिखाते अपने जो टैक्स को बचाने के लिए, वो दिखाते थे कि आपने जो ये दिया था ना, अगर हम कोई कंपनी अगर स्किल्ड लेबर से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव लेते हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कुछ काम करते हैं ना, तो उनको वो सब एरिया में उनको प्रॉफिट पे मार्जिन मिलता है, ठीक है। तो वो क्या दिखा रहे हैं, 100 रुपये में दिखा दिए कि 50 रुपये तो हम अपना स्किल्ड लेबर से रिलेटेड प्रॉफिट कमाया है और उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉफिट कमाया। तो आपने तो बोला था कि जो भी अगर स्किल लेबर से रिलेटेड या आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करेंगे तो उनको माफ किया जाएगा उनको कुछ, तो आप तो माफ करना पड़ेगा ना मुझे। तो इससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट के पास आ रहा था सिर्फ 50 रुपये, 50 रुपये तो उनको ये स्किल और एग्रीकल्चर की वजह से माफ करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा नहीं है। ये चिदम्बरम जी जो पहले कांग्रेस के टाइम में थे ना फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा ये लाया गया था 1996 में, ठीक है। 1996 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वो लेके आए थे ये आपको मैट का कंसेप्ट। तो उन्होंने बोला था कि इस तरह का चीज नहीं होगा और आपको ये 50 रुपये है ना तो आप ठीक है दीजिए, पर आपको ये दिखाना होगा। पर लेकिन देखिए यहाँ पर 50-50 दिखाए थे ना, पर जब उनके कंपनी के जो शेयर होल्डर थे ना उनको ये ठीक ही दिखा रहे थे कि हमारा 100 रुपये का फायदा हुआ है, बट जब गवर्नमेंट को दिखा रहे थे कि 50 रुपये इधर दे रहे हैं और 50 रुपये तो हम लोग स्किल लेबर से रिलेटेड आया है तो हमको तो वहाँ पर माफ करना होगा ना आपको, तो ये चीज़ बात बोला जा रहा था। तो 1996 में जब मैट आया ना, तो मैट में उन्होंने कह दिया, चिदम्बरम जी के जब लेके आया गया, वो बोल रहे कि आप यहाँ पे जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 50 रुपये पे, ये तो करना ही है, इसके अलावा जो आप 50 रुपये जो आप बता रहे हैं ना कि आपने ये काम किया है, तो उससे रिलेटेड भी आपको एक 18.5 का आपको टैक्स देना ही पड़ेगा वहाँ पर भी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा ना वो आपको देना पड़ेगा। अब अगर दीदी यहाँ पे और जबकि इनकम टैक्स कितना होगा, 30% है, तो अगर दीदी आप यहाँ ज़्यादा बन रहा है तो आप यहाँ दीजिए, वहाँ ज़्यादा पड़ रहा है तो वहाँ दीजिए, ठीक है। इस तरह का चीज़ लेके आया गया, उम्मीद करता हूँ समझ पे आओगे। नहीं समझ पे आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आगे थोड़ा डिटेल में बताना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप लोगों ने हमारे फ्रेंड से नहीं किए ये सब टॉपिक, तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक होता है यूपीएससी का, प्लीज़ ये सब चीज़ क्लियर कर लें, ठीक है। आगे फिर बोला जा रहा है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला भी बात सही है, उसके अलावा ये भी बात है, थोड़ा ध्यान ध्यान दीजिए, ये जो ESZ से रिलेटेड ना कि किसी तरह का लाइसेंस का भी जरूरत नहीं पड़ेगा इंपोर्ट अगर आप कर रहे हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ना लगभग आप 100% FDI का भी यहाँ पे अलाउ किया जाता है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया या FDI, तो 100% FDI भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको जो है वो आपको सिपरी से रिलेटेड है, स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना उनसे रिलेटेड, ठीक है। स्वीडन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड भी आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। पहला बोल रहा है कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि डेडिकेट है किस पे, रिसर्च इंटू कॉन्फ्लिक्ट आर्म्स आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मेंट, ठीक है। बोल रहा है कि इससे रिलेटेड, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल है कि ये UN का पार्ट है या किसी और आपको पार्ट है,
ठीक है, किसी और बॉडी का, तो इसलिए हो गया यहाँ का ये कीवर्ड। दूसरा बोल रहा है कि इन ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये कोऑपरेट करते हैं क्लोजली विद सिविल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये क्या कोऑपरेट करते हैं इस तरह के, क्लोजली करते हैं सारे चीज से रिलेटेड। देखिए इस तरह का जो भी बॉडी होगा ना, ऑफकोर्स यूनाइटेड नेशन से तो वो कोऑपरेट करेंगे ही, अगर वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन से तो कोऑपरेट करेंगे ही। तो ये सारे स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर सही ही होते हैं, आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको सही करना है किसको गलत करना है। ठीक है, बस आपको थोड़ा बेसिक उस टॉपिक से रिलेटेड पता होना चाहिए तभी कर पाओगे। तीसरा बोल रहा है आपको कि ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2018 रिपोर्ट वाज, आपको जो भी ये 2018 का रिपोर्ट निकाला गया ना इंटरनेशनल आर्म्स का, वो बोल रहे हैं सिपड़ी के द्वारा ही निकाला गया था। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, देखते हैं सही आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों ही सही है। ठीक है, ये सिपड़ी के द्वारा ही लाया जाता है, यूरोपियन यूनियन वगैरह ये तो मैंने बोली दिया स्टेटमेंट है, बाकी सिपड़ी एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है किसी बॉडी पे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड। ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक से रिलेटेड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो ये किसके द्वारा लाया जाता है, ये तो और ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, देखिए चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये एनडीबी अभी हाल ही में सबसे रिसेंट बैंक जो है वो यही है, डब्ल्यूईएफ काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तो आप जानते ही कितनी बार हमारे लिए अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सही आंसर हो गया आपको वर्ल्ड बैंक, जो कि आपको वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कट करता है इंडिया का ग्रोथ। अभी हाल ही में इंडिया का ग्रोथ वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 5% रहेगा, जो कि 6% पहले एस्टिमेट किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो यही ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है ना, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही लाया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया का ग्रोथ 2020 में 5% रहेगा। ठीक है, तो अब तो वो भी नहीं रह सकता, आप जानते हैं शायद 1.6% है अभी ग्रोथ हमारा जीडीपी का, जो कि ये कोरोना की वजह से यह हाल हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि 2021 तक में ये आपको 7% तक जा सकता है। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको आईएसएफआर 2019 से रिलेटेड। ठीक है, ये आईएसएफआर क्या, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इससे रिलेटेड आपको पांच स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा ये सही कोड है। ठीक है, तो आपको सही कोड हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि आपको ये कोरल कवर सिर्फ यहां कवर नहीं किया गया, बाकी सारे चीज यहां पे कवर किए गए हैं, मतलब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में। ठीक है, ये रिपोर्ट आपको बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट टाइप्स है, बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग है और फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट स्लोप, ये सारे चीज को यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा बोला जा रहा है स्पेशल थीमेटिक इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट कवर सच एज हिल, ठीक है, या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये सारे एरिया को भी ना वो सेपरेटली एक रिपोर्ट बना रहे हैं जिससे रिलेटेड वो पब्लिश करते हैं। तो इसलिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे कहीं भी अगर इससे रिलेटेड कोट करते हैं ना, तो आप नहीं कम से कम तो +2 तो इजीली आप अपने आंसर में आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज को आप प्लीज एक जगह रखें, मैं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा ही, तो वो प्रीलिम से पहले आपको मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। बट अभी फिलहाल अपना जितना बार हो सके मल्टीपल रिविजन करते रहे, मल्टीपल टाइम्स हमारे वीडियोज को भी देखते रहे, खाते वक्त हो या सोने से पहले हो, जब भी हो कुछ कुछ, आप जब आपको पढ़ने का दिल ना कर रहा हो, बैठने का दिल ना कर रहा हो, तो आराम से सेलफोन में अपना ये वीडियो प्ले कर लें और सुनते रहें। जैसे कि आप 24 घंटा जब किसी एक चीज के लिए आप पूरी तरह से मन लगा दोगे ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता उस चीज में बेहतर आने से, बेहतर बनने से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो गया आपको रॉयल बंगाल टाइगर से रिलेटेड। ठीक है, ये रॉयल बंगाल टाइगर से रिलेटेड बोला जा रहा है, आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे फिर से यही दिया है, पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला बोल रहा है कि इट इज फाउंड इन इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। तो ये चारों के चारों एरिया जो है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट हो गया, ये कीवर्ड हो गया इसलिए। ठीक है, ये आपको ये चारों ही है या कोई और है, ठीक है, या और भी ज्यादा है। बोल रहा है फिर इट इज द लीस्ट इन नंबर, बोला सबसे कम इस बार पाया गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड, मतलब ये जो अमंग ऑल टाइगर स्पीसीज, ये जो बंगाल टाइगर है ना, ये सबसे कम नंबर है पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए देख लेते सही है गलत। तीसरा बोला जा रहा है कि मैंग्रोव्स ऑफ द सुंदरबन है ना, वो शेयर करता है मतलब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट विच टाइगर्स आर फाउंड। तो बोला जा रहा है कि ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ना, ओनली यहाँ पे कीवर्ड हो गया, जो कि आपको बोला जा रहा है कि शेयर करता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो सुंदरबन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सुंदरबन का मैप ऑलरेडी देखे हुए हैं और मैं भी आपको काफी बार दिखा दिया हूँ, तो आपको ये रिलेट करके भी एटलीस्ट आप आंसर निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी 1-3 सही है बट 2 गलत है, क्योंकि लीस्ट नहीं है, मैक्सिमम है। ठीक है, मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल टाइगर स्पीसीज, जो कि लगभग 2500 है पूरे, मतलब ठीक है 2500 है जो कि लेफ्ट है, इसलिए ये ज़्यादा आपको
इम्पोर्टेंट हो जाता है बंगाल, क्योंकि टाइगर के मामले में इंडिया सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये जो क्रिएशन जो किया गया था ना टाइगर रिजर्व का, ये 1970 से स्टार्ट किया गया था कि कैसे करके कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपने सुना होगा कि चीता से रिलेटेड हम अभी चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। चीता ऑलरेडी कब का ये आपको एक्सटिंक्ट हो चुका है हमारे कंट्रीज से, ये भी आप जानते ही होंगे। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा बात यहाँ पे बोला जा रहा है, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हुआ है, क्या 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 हुआ है ये सब चीज़। अगला क्वेश्चन हो गया आपको फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट ही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है ना, फॉर FAC, ये कैन एजुकेट द रिक्वेस्ट बाय द इंडस्ट्री टू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट लैंड फॉर कमर्शियल एंड्स। तो ये एजुकेट किया जा सकता है इनके द्वारा कि ये रिक्वेस्ट करेंगे, एजुकेट द रिक्वेस्ट बाय द इंडस्ट्री टू डिस्ट्रॉय, मतलब वो एक तरह का फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है ना, वो जो भी इंडस्ट्री है ना वो फॉरेस्ट को जो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं उनसे रिलेटेड एक तरह का आप सही आप बोले तो ये डील करेंगे सारे चीज़ ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, उनको कैसे करके एडवाइस करना वो सब चीज़ ये करेंगे। क्या सही बात है कि या गलत बात है, चलिए देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा आपको स्टेटमेंट है कि रिसेंटली जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने उन्होंने अप्रूव किया है कि कैसे करके अलाउ किया जाए फॉरेस्ट का एज अ ट्रेड कमोडिटी। ठीक है, तो रिसेंटली FAC के द्वारा क्या है, हमने हाल ही में ये आपको डिस्कस किया था फॉरेस्ट एज अ ट्रेड कमोडिटी, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था पॉइंट बाई पॉइंट। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो आपको ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट वन और टू दोनों ही सही है। ठीक है, जानते ही हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे करके फॉरेस्ट एज अ कम्युनिटी ट्रेड करने का यहाँ पे बात चल ही रहा है, तो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी के द्वारा ही अप्रूव किया गया था इस स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया आपको वेटलैंड से रिलेटेड। ठीक है, वेटलैंड से रिलेटेड आपको फिर से यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि रामसर कन्वेंशन इज द ओनली वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल एकॉर्ड। तो ये क्या ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल एकॉर्ड है, चलिए देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कि मोर देन 40 साइट्स, लगभग 40 से ज्यादा साइट्स इंडिया में प्रेजेंट है अंडर द रामसर कन्वेंशन। देख लेते हैं ये क्या सही वर्ड है या गलत बात है, या 40 से ज्यादा या 40 से कम है। तीसरा है आपको रिसेंटली नंदूर महा आपको मधामेश्वर जो कि वेटलैंड है वो डिक्लेयर किया गया है रामसर वेटलैंड। ठीक है, तो ये नंदूर मधामेश्वर कहाँ पे है और ये जो रिसेंटली अभी डिक्लेयर किया गया है, चलिए देख लेते हैं आंसर के बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट वेटलैंड है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये क्या सही बात है, महाराष्ट्र में है या कहीं और पे है? ठीक है, वो भी फर्स्ट है, फर्स्ट बोला जा रहा है ना, फर्स्ट है या सेकेंड है या चौथा या पांचवा, ये सब चीज़ का आपको जब तक क्लियरिटी नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए प्लीज ये सब चीज को आप अच्छे से फैक्चुअल थिंग्स को ध्यान में रखें। तो इसका सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1-3 सही है, 2 गलत है। ये 40 साइट नहीं है जी, पहले 27 था, अभी हाल ही में 10 और ऐड किया गया है जिससे अभी 37 हो गया है। ठीक है, 37 अभी हो चुकी है। ये नंदूर महादेश्वर है जो कि पहला है महाराष्ट्र का, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में अभी सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस भी आए हैं और महाराष्ट्र ही है जो कि सबसे ज्यादा GDP भी देता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ ऊंच नीच का बात या कुछ भी उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ में मिल रहा है तो आप प्लीज़ उससे रिलेटेड जानिए। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको वेटलैंड साइट से रिलेटेड एक मैप के द्वारा बता ही चुका हूँ, तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा कितने सारे साइट से कहाँ कहाँ पे आए हैं। ठीक है, टोटल 37 अभी, ये ध्यान रखिएगा। ये जो कन्वेंशन है ना रामसर साइट, ये रामसर आपको एक ईरान में एक सिटी है जो कि 1971 में वहाँ पे एक रेजोल्यूशन लिया गया था, तो उसको नाम रखा गया था रामसर कन्वेंशन, जिसको ये बोल रहे हैं क्या वेटलैंड्स के ऊपर उन्होंने लिया था कि कैसे करके वेटलैंड का जो आपको है ना कैसे प्रिजर्व किया जा सके इस पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये सीएड इनिशिएटिव से रिलेटेड जो कि हाल ही न्यूज में देखा गया है, बोला जा रहा है कि ये चारों में से कौन सा ये उससे रिलेटेड है सीएड इनिशिएटिव। ठीक है, तो आपको ये किससे रिलेटेड है, आपको ऑप्शन बी यानी एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ये सीड का आपका फुल फॉर्म हो गया सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अप्लायंस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अलायंस एंड एप्लीकेंस डिप्लॉयमेंट, जो कि एक इनिशिएटिव है, ये वॉलंटरी कोलेबोरेशन है किसके बीच में, अमंग गवर्नमेंट्स वर्किंग टू प्रमोट द मैन्युफैक्चर परचेज एंड यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग। मतलब एनर्जी को कैसे करके एफिशिएंटली यूज किया जा सके, ये जितने भी गवर्नमेंट्स है ना उनको ये प्रमोट उनके द्वारा ये प्रमोट किया जा रहा है कि कैसे इसका मैन्युफैक्चर परचेज वगैरह ये सब किया जा सके। ठीक है ना, और ये जो बेसिकली अंदर आता है आपको ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल उनके अंदर में आता है ये सीड। ठीक है, जो कि टास्क है किसका,
इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉपरेशन IPEE से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो सीड है ये आपको अंदर आता है क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल से के अंदर में CEM, तो CEM को ध्यान रखिएगा, ये IPEEC से रिलेटेड याद रखिएगा। और ये सीड का फुल फॉर्म भी एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, जैसे यहाँ सीड इनिशिएटिव दिया हुआ है और उसके बाद चार आपको डिफरेंट टाइप का SEAD में आपको दे देगा, डिप्लॉयमेंट का जगह डेवलपमेंट दे देगा, अप्लायंस का जगह में आपको एप्लीकेशन दे देगा, तो कुछ भी दे देगा आपको सही बताना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा अच्छे से रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए होंगे। जो भी हमारे फ्रेंड्स 80% से ज़्यादा लेके अगर आ रहे हैं तब तो वो आप सेफ साइड में हैं, बिल्कुल आप वैसे ही रिविजन करते रहें। जो इनसे कम आए हैं प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से सुधारें, रिविजन करने का टेक्निक को सुधारें और अपना जो भी गलती है उनको जल्दी से जल्दी अपना फाइंड करिए। हो सके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उससे रिलेटेड जरूर सॉल्व करूंगा कि क्यों आपका नंबर कम आ रहा है अभी भी, ठीक है। ये सब सारे चीज़ को आपको ध्यान देना है। और एक बार याद दिलाना चाहूँगा, जो भी हमारे फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि सारे जो भी हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको सही टाइम में मिल जाया करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीमियर में जब भी आना होता है मैं पहले ही डाल देता हूँ, जैसे रात का वीडियो सुबह का वीडियो वो रात को आ जाते हैं, जो दोपहर शाम का वीडियो वो भी पहले डाल देता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि इतने बजे आना है तो मैं खुद से पार्टिसिपेट कर लूँ, क्योंकि आप वेट करोगे ना कि आप दोपहर में करना है शाम को करना है और उस पर कुछ और वीडियोज आ जाएंगे, तब आप फिर क्या करेंगे, आपके पास बहुत सारे एक साथ बहुत सारे बर्डन हो जाएंगे जो कि आपको कंट्रोल करना ये रिवीजन के टाइम में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो ये सब चीजों से बचने के लिए प्लीज ऐसा ध्यान देते रहिए, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करते रहें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं कल, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।